है वेलकम बैक. आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएलसी इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली. मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको स्पोकन के ऐसे ऐसे वर्ड सिखाऊंगा जो बोल चाल में प्रयोग करोगे तो आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी. आज स्पोकन के ऐसे ऐसे वर्ड्स जो हम लोग जानते तो हैं बट सही से उसका यूज नहीं कर पाते, एक एक करके मैं आपको अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा. और आराम से एक एक वीडियो आप देखना, शुरू से लास्ट तक एक एक पॉइंट दूंगा. अगर आपने इसका यूज करा ना तो आपकी पर्सनालिटी बढ़ जाएगी और आप एक सेंटेंस से, एक स्ट्रक्चर में दूंगा, आप उससे हजारों सेंटेंस बना सकते हो आसानी के साथ. मैं बहुत ही छोटा छोटा ले रहा हूं ताकि आप इजिली उसको बोल पाए, कर पाए. तो आइए देखते हैं एक एक करके आराम आराम से. यहां पे पहला वर्ड लिया हमने अवॉइड. अब एक वर्ड है अवॉइड. अवॉइड के जैसा, आप ज्यादा ध्यान देना, अवॉइड वर्ड जहां कहीं भी आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? मना करेगा. अवॉइड का मतलब क्या होता है? मना करना. तो अवॉइड करेगा मतलब रोकेगा. किसी भी चीज से आप अवॉइड कर रहे हो मतलब से दूर रहना. किसी चीज से दूर रहना अवॉइड कहलाता है. या किसी चीज से बचो, अवॉइड करो, तो हम लोग क्या बोलते हैं? अवॉइड. यानी किसी भी चीज से आप बच रहे हो, किसी चीज को अवॉइड कर रहे हो, तो वहां पे अवॉइड का प्रयोग करना. अवॉइड का एक नेचर है. अवॉइड जहां कहीं भी आता है अपने साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेता है. फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वी1 मतलब आईएनजी, यानी वी1 के साथ आईएनजी लगा रहता है, उसे हम अवॉइड के साथ लगाते हैं. तो यहां आपको ध्यान देने बात यह है बच्चे कि अवॉइड प्लस वी4 यानी वी1 प्लस आईएनजी. तो कहीं भी से अवॉइड स्मोकिंग, हमने कहा सिगरेट पीने से बचो, सिगरेट पीने से बचो, अवॉइड स्मोकिंग, राइट. अवॉइड फाइटिंग, आप कहते हो लड़ने से बचो, अवॉइड फाइटिंग. अवॉइड बैक बाइटिंग, पीठ पीछे शिकायत से करने से बचो. बैक बाइटिंग मतलब शिकायत करना पीठ पीछे. अवॉइड बैक बाइटिंग, पीठ पीछे शिकायत करने से बचो, परहेज करो. अवॉइड क्रिटिसाइजिंग, शिकायत करने से बचो. अवॉइड अब्यूजिंग, गाली गलौज करने से बचो. तो जहां भी जिस चीज से बचना चाहते हो वहां पे अवॉइड का प्रयोग आप कर सकते हो. तो अवॉइड गैम्बलिंग, अवॉइड गैम्बलिंग, जुआ से दूर रहो, है ना. अवॉइड क्रिटिसाइजिंग, शिकायत से दूर रहो. तो अवॉइड जहां भी हो, हम लोग यहां पे गलती क्या करते हैं कि आपको किसी को सलाह देना है तो आप सलाह देने के लिए अवॉइड क्या प्रयोग कर सकते हो कि तुम इस काम से बचो. अवॉइड बैक बाइटिंग, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड ड्रिंकिंग, शराब पीने से दूर रहो, अवॉइड ड्रिंकिंग बोलते हैं ना. तो इस तरह से हमने एक एक कर लिख दिया है. आप 10 और बनाओ और 10 और तरह से बोलो. हमने यहाँ पे 2-4 लिखा है, 10 आप और बनाओ. ऐसे करके एक एक करके बहुत सारे सेंटेंस हम लोग देखते हैं. अब अगला क्या कॉन्सेप्ट कहता है भाई? अब कॉन्सेप्ट ये कहता है बच्चे कि जैसे छोटे छोटे सेंटेंस जब भी आप अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हो ना, तो अभी बड़े बड़े तूफान मत करो, छोटे छोटे सेंटेंस पहले बोलने का प्रयास करते हो. हमने सेंटेंस बोला रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो. अंग्रेजी में कैसे बोलें? दौड़ सकते हो तो दौड़ो, बोल सकते हो तो बोलो, खरीद सकते हो तो खरीदो, कर सकते हो तो करो, पकड़ सकते हो तो पकड़ो, पी सकते हो पियो, खा सकते हो तो खाओ, दौड़ सकते हो तो दौड़ो, बैठ सकते हो तो बैठो. तो जिस तरह के सेंटेंस भी हो, आप जैसे भी बोलना चाहते हो आप सेंटेंस बोलो. अब एक स्ट्रक्चर दिया है मात्र इफ यू कैन. इफ यू कैन के माध्यम से ये सारे सेंटेंस को बस चुटकियों में बना सकते हैं. कैसे? वो ध्यान देना. स्ट्रक्चर अगर फ्रेम करें तो कह सकते हैं यहाँ पे वर्ब के साथ अगर आप इफ यू कैन जोड़ दें तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कॉमन इस बन सकता है. जैसे रोक सको तो रोक लो, तो रोकना क्या अंग्रेजी? तो बोलो, आप बोलो मेरे साथ स्टॉप. तो हमने कहा यहां पे स्टॉप, जोड़ दो उसके साथ इफ यू कैन. स्टॉप इफ यू कैन, रोक सको तो रोक लो, स्टॉप इफ यू कैन. तो इसलिए क्या होगा, आपका अंग्रेजी काफी इंप्रेसिव हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप अंग्रेजी बोल पाएंगे. एक एक्चुअली क्या है, लैंग्वेज क्या है? एक भाषा है. और भाषा को टू ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड द अदर पीपल, आप दूसरे को समझाना चाहते हैं. तो जब आप, आपकी लैंग्वेज क्लियर होंगी तो आप दूसरे को आसानी से समझा पाएंगे. हमने क्या कहा, दौड़ सको रोक सको तो रोक लो, स्टॉप इफ यू कैन, दौड़ सकते हो तो दौड़ो. दौड़ सकते हो क्या हो बच्चे? रन. दौड़ो इफ यू कैन, रन इफ यू कैन, दौड़ सकते हो तो दौड़ो, कॉमा देने की जरूरत भी नहीं है. बोल सकते हो तो बोलो,
बोल सकते हो, स्पीक इफ यू कैन. हमने ढेर सारा लिखा है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाओ. फटाफट कॉपी कलम निकाल के आप इसे लिखो और फटाफट बोलने का भी प्रयास करो. खरीद सकते हो तो खरीदो, बाय इफ यू कैन. खरीद सकते हो तो खरीदो, कर सकते हो तो करो, डू इफ यू कैन. कितना आसान बच्चे, पकड़ सकते हो तो पकड़ो, पकड़ सकते हो तो पकड़ो, कैच इफ यू कैन. तो आपने क्या देखा, जितने भी तरह के हो सकता है आप आसानी से बोल सकते हो. स्टॉप इफ यू कैन, रन इफ यू कैन, स्पीक इफ यू कैन, बाय इफ यू कैन, डू इफ यू कैन, कैच इफ यू कैन. खा सकते हो ना तो खाओ, ईट इफ यू कैन. खेल सकते हो तो खेलो, प्ले इफ यू कैन, है ना. तो आप जितने भी तरह से सेंटेंस चाहें आप इजिली बोल सकते हैं. बच्चे आपके लिए बना रहा हूं मैं, आप इसको बोलो और इसको जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो, आपकी एनर्जी और आसान होगा. तो यहां पे हमने एक वर्ड लिया स्मार्ट एट. आप किसी चीज में निपुण हैं, किसी काम को करने माहिर हैं, किसी काम को जबरदस्त तरीके से आप कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हो कि स्मार्ट एट. जैसे स्मार्ट एट मतलब आप किसी काम को करने में अच्छे हो, निपुणता आपके अंदर भरा हुआ है. किसी काम को करने में निपुण है तो स्मार्ट एट का प्रयोग कर सकते हैं. जैसे मान लो कोई व्यक्ति डांस करने में निपुण है, बिल्कुल एक्सपर्ट है, तो आप किसी माध्यम से बोल सकते हो आप डांस करने में निपुण है, वह नाचने में निपुण है, वो खेलने में एक्सपर्ट है, वो नाचने में एक्सपर्ट है, वो खाने में एक्सपर्ट है, वो कुछ भी, आप कुछ भी बोल सकते हो. डांसिंग में, कुकिंग में, प्लेइंग में, ड्राइविंग में, बात करने में निपुण है, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हो. किसका बच्चे, स्मार्ट एट का. हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस स्मार्ट एट प्लस वी वन प्लस आई एन जी. वी फोर का मतलब क्या होता है, वी वन प्लस आई एन जी. तो आई एन जी आप लगा सकते हो किसी भी स्ट्रक्चर को. मैं चाहता ये हूँ कि एक स्ट्रक्चर आपको दिया जाए और छह स्ट्रक्चर आपको निकलना आना चाहिए. जैसे हमने कहा कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर स्मार्ट एट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट प्लस स्मार्ट एट, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. इंट्रोगेटिव की बात करें तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट स्मार्ट एट बिफोर प्लस अदर वर्ड. आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कह सकते हो, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस स्मार्ट एट बिफोर प्लस अदर वर्ड. आप इसको डब्ल्यू एच फैमिली बना सकते हो. डब्ल्यू एच का मतलब क्या होता है भाई, जैसे एक सेंटेंस है कि आप डांस करने में निपुण हो, यू आर स्मार्ट एट डांसिंग, यू आर नॉट स्मार्ट एट डांसिंग, आर यू स्मार्ट एट डांसिंग, aren't you smart at dancing, how are you, how are you. क्या बोला हमने, यहां पे आप कह सकते हो डब्ल्यू एच प्लस. तो डब्ल्यू एच का मतलब क्या हुआ, what, where, when, why, how. तो हमने बोला how are you smart at dancing, है ना. एक सेंटेंस लो और छह तरह से उसे आसानी से आप बोल सको. हमने बोला यू आर स्मार्ट एट डांसिंग, यू आर स्मार्ट एट कुकिंग. देख रहे हो सारे शब्द बार बार बोलना है. यू आर स्मार्ट एट कुकिंग, यू आर स्मार्ट एट प्लेइंग, यू आर स्मार्ट एट ड्राइविंग, यू आर स्मार्ट एट ड्राइविंग, यू आर स्मार्ट एट टॉकिंग. तो आप इस तरह से जितने भी सेंटेंस चाहें आसानी से आप बोल सकते हैं. एक बार मेरे साथ मिलकर बोलें, यू आर स्मार्ट एट डांसिंग, राइट, नेगेटिव. You are not smart at dancing. Interrogative. Are you smart at dancing? Right? R पहले आ जाए देखो. Are you smart at dancing? Clear? W family. How are you smart at dancing? इसी तरह से आप किसी को बोल सकते हो, तुम बात करने में निपुण हो. You are smart at talking. You are not smart at talking. Are you smart at talking? How are you smart at talking? How aren't you smart at टॉकिंग. तो आप एक सेंटेंस को कितने तरीके से आसानी से बोल सकते हैं. और हाँ मेरे बच्चे, मैं आप सबों के लिए, चूंकि आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप हमारे वेबसाइट पर जाकर के आप टेस्ट भी दे सकते हो. हमने आपके लिए टेस्ट बनाया है, एक रुपये में एक टेस्ट. क्या क्या, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, जीएस भी है, सारे टेस्ट हैं. तो 365 रुपया में 365 टेस्ट, 365 दिन बैठ के आप टेस्ट दे सकते हो. ये आपके लिए खास बनवाया हूँ. आप वेबसाइट पे जाएं और जाकर के वहाँ क्लिक करें और क्लिक करके हर दिन
एक टेस्ट दीजिए और मुझे बताइए कि आपको टेस्ट कितना बेनिफिट मिल रहा है हर दिन जाकर के। इसके साथ साथ बच्चे, अगर आप दिल्ली आना चाहते हो तो अब आप दिल्ली में मेरे साथ बैठ के क्लास ले सकते हो, आप मेरे से पर्सनली पढ़ सकते हो। आप दिल्ली आना चाहो तो आ सकते हो, दिल्ली अब दूर नहीं है, आराम से रह करके पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप घर बैठे पढ़ना चाहते हो तो आप ऑनलाइन क्लास भी घर बैठे आप ले सकते हो। आपके लिए सब सुविधा हमने दे दिया हुआ है। आप दिल्ली नहीं आना चाहते तो घर बैठ के मोबाइल पर, लैपटॉप पर, आप जैसे भी हो अपने फैमिली के साथ मेरा लाइव क्लास, पूरे 1.5 घंटे का क्लास आप देख सकते हो, जो मैं दिल्ली में ऑफलाइन क्लास बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो बैच आप ले सकते हो। ये यूट्यूब पर जो आप देखते हो यह एक उसका नमूना होता है। और पूरा क्लास करने के लिए आपको 4 महीने का कोर्स आप घर बैठ के पढ़ सकते हो और घर बैठ कर ही आप टेस्ट भी दे सकते हो। तो एक बार विजिट करना और मुझे बताना कि आपको टेस्ट कैसा लग रहा है, और क्लास करना चाहते हो तो आप, दोनों चीज़ आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। थैंक यू, इट्स ऑल फॉर टुडे।